आगामी नगरीय निकाय चुनाव 2021 को लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने भाजपा की जीत का बड़ा दावा करते हुए कांग्रेस पार्टी को जल्द अपना प्रत्याशी घोषित करने पर जमकर लताड़ा और विधायक संजय शुक्ला को महापौर उम्मीदवार घोषित करने को लेकर सख्त टिप्पणी दी। इसको लेकर कांग्रेस ये मान के बैठी हुई है कि हम नगर निकाय चुनाव में नहीं जीतेंगे और ये आज नहीं माना उन्होंने जब सरकार थी उस समय भी वो उससे चिंतित थे और इसलिए एन कैन प्रकार चुनाव जीतने की तमाम जुगातें उन्होंने की, इसलिए परिसीमन किया जो वैधानिक रूप से ठीक नहीं था, निकायों के अंदर परिसीमन किया, मतदाता सूची के अंदर जो घोटाले किए और जो डायरेक्ट पब्लिक से चुनाव होता है उसको भी बदल के अप्रत्यक्ष चुनाव कराने ताकि हम खरीद फरोख्त कर सकें, ये इस बात का प्रतीक है कि वो ये मान के बैठे कि हम आने वाले निकाय चुनाव में जीतने वाले नहीं हैं। ये उनका एक प्रयोग है और इस प्रयोग के पीछे भी भावना वही है कि उनको का मानना है कि या उनको ये शंका है कि हम चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, शायद बहुत पहले से कैंडिडेट डिक्लेयर कर दें तो उसका लाभ होगा। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इतने पहले डिक्लेयर करने का मतलब ये कि वो हार मान चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।